नमस्कार दर्शकों, मैं अमिता। मेरे YouTube चैनल अमितास किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्नैक स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ, पनीर 65। तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर 65 बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है। ये मैंने पैकेट वाला पनीर लिया है। जो खुला पनीर मिलता है वो मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत पानी होता है, तो वो उतना क्रिस्प उतना टेस्टी नहीं बन पाएगा हमारा पनीर 65। तो इसके लिए मैंने पैकेट वाला 200 ग्राम्स पनीर लिया है। अब हम पनीर को क्यूब्स में काट लेंगे। बहुत छोटे और बहुत पतले क्यूब्स नहीं काटेंगे, क्योंकि नहीं तो पनीर मैरिनेशन के टाइम पे ये टूट जाता है। ये देखिए, अब इस टाइप से देखिए ये लिए है। इसके एक एक के हम तीन तीन टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सारा पनीर काट लेंगे। हमने पनीर को पीसेस में काट लिया है। उसके बाद हमने करना है इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखना है। तो चलिए अभी इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इन पनीर के पीसेस को बाउल में डाल देंगे। ठीक है ना, इसको डाल दिया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। देखिए, हमने कई स्पाइसेस डाले हैं, पर कुछ स्पाइसेस हम स्टार्टिंग में डालेंगे। सबसे मैरिनेशन के लिए हमें करना है कि पनीर जब हम खाएं ना, देखिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि बनाना तो आसान है कि इस पनीर में ऊपर से डालो मसाले और इसको तल दो। नहीं, पहले हमें पनीर के अंदर तक रस जाए। जब हम पनीर खाएं, केवल ऊपर ऊपर से टेस्ट ना आए, पनीर के अंदर भी फ्लेवर्स आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे, ये देखिए, गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट है। अराउंड 1 स्पून मैंने ये इसमें डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, डालेंगे 1/2 टीस्पून अराउंड इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ भुना जीरा डाल देंगे इसमें। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। और इसको अच्छे से करेंगे, पनीर टूटे ना। हम कोशिश करेंगे कि हाथ से ही कर लेंगे, क्योंकि अगर हम स्पून वगैरह से करेंगे तो पीस पनीर टूटने के चांसेस रहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए, इस तरीके से मैरिनेट करके हमने इसमें, देखिए, अभी नमक नहीं डाला, क्योंकि हम नमक डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा। तो इसलिए ये बाकी चीज़ों को हमने डाल के इस तरीके से मिक्स करके, इसको हम ज़्यादा नहीं, हमें 10 मिनट के लिए बस छोड़ देते हैं ऐसे ही। इसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए, ये हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके बाद हम इसको 10 मिनट और बाकी का पनीर 65 बनाना शुरू करते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। आप ये देखिए, नोटिस करिए, ये जो मैंने ये डाला था कॉर्न स्टार्च, उससे देखिए सारे मसाले, देखिए आप, पनीर में अच्छे से चिपक गए। ऐसा नहीं है कि मसाले अलग हैं। ये देखिए, सारा बहुत अच्छे से पनीर में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलिए हम बाकी के मसाले स्पाइसेस जो डालना है वो भी डाल देते हैं। हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, देखिए, हमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च। अराउंड 2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डल जाएगी। और इसके बाद इसमें डालना है धनिया पाउडर। अराउंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये डाल दिया। इसके बाद हमने डालना है इसमें, देखिए, मैंने एक फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली डाली है। टोटली ऑप्शनल है, पर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आप ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद देखिए, मैंने करी लीव्स ली हुई है, इनको हाथ से तोड़ के, इस तरीके से आप हाथ से तोड़ के इसको ये डाल देंगे। ये देखिए, कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, देखिए, हम थोड़ा सा अराउंड, समझ लीजिए, 1 स्पून जितना बाइंडिंग के लिए हमने डालना है। तो मैं इसमें डालूंगी दही, गॉड, अराउंड, अभी तो देखिए मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, लगेगा बाकी तो फिर मैं और डालूंगी। और उसके बाद हमने डालना है इसमें अराउंड 1-2-3 स्पून भर के नॉर्मल मैंने डाला है इसमें कॉर्न स्टार्च। और उतना ही हम डालेंगे 1-2-3 चावल का आटा।
ठीक है ना। अब हमने इसको डाल लिया है, चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने से पहले ना मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डालूंगी, इसका भी अपना अलग ही फ्लेवर आता है। हमारे इंडियन फूड में ना हम हरे धनिए के बिना रह ही नहीं पाते। और एक चीज़ इसमें और डालनी है, एक देखिए लेमन जूस, छोटे नींबू है तो आप एक नींबू का, नहीं तो बड़ा अच्छा नींबू है तो उसमें एक आधा नींबू का डालने का। उसके बाद देखिए हमने इसको मैरिनेट करना है, ये देखिए अच्छे से करना है, मिक्स करना है ये देखिए, क्योंकि ये टूटे ना, पनीर के टुकड़े टूट गए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। टूटे टूटे ये देखिए, इसको धीरे धीरे मिक्स करना है, अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तब ऐड करेंगे। अभी तो देखिए हम अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करते हुए ये देखिए इसको इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सारे जितने हमने ड्राई स्पाइसेस डाले हैं सब अच्छे से प्रॉपर सारे पनीर में पहुंच जाए। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको मिक्स किया तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, तो मैं हाफ स्पून, ज़्यादा नहीं हाफ स्पून डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। और मेरा थोड़ा सा दही बचा हुआ था, पहले मैं दही ऐड करती हूँ, जरा सा बचा हुआ था, उसके बाद मैं देखिए जितना पानी डालना होगा थोड़ा सा इसे डाल ही लेती हूँ। देखिए एक स्पून मैंने पानी डाला इसमें अच्छे से, ये देखिए इसको अब हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखिए बस परफेक्ट, ये देखिए अब आपको खुद ही लग रहा होगा बस इतना ही पानी डालने की ज़रूरत पड़ी है। आपको जितना पानी डालने की ज़रूरत पड़े आप उतना ही डालेगा। ये देखिए आप, ये देखिए बाकी आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज़्यादा करारा करना है तो आप वो कर सकते हैं। अब ये देखिए परफेक्ट बन गया, ये देखिए इसको अब हमने करना है डीप फ्राई। इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दी है, ये देखिए। अब चलिए हम फटाफट इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, नहीं तो फिर पानी छोड़ना शुरू कर देगा तो ये और ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि वो फिर तलने में भी दिक्कत आएगी। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर ली है, फ्लेम अच्छे से, मतलब ऑयल जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए, अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही डालेंगे, क्योंकि बाहर की लेयर जो हमें अच्छे से क्रिस्प चाहिए। एक बार मैं ज़रा से ये डाल के देखती हूँ, देखिएगा कि एकदम से ऊपर आएगा तो मतलब डैट मीन्स गर्म हो गया है। अभी ऑयल हमारा गर्म नहीं हुआ जितना हमको चाहिए, तो इसको अभी मैं एक मिनट और गर्म कर लेते हैं, एक क्या आधा मिनट ही बहुत होगा, उसके बाद चलिए हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम ये पनीर इसमें तलने डाल के जाते हैं इसमें। तरीके से हम तलते जाएंगे, सारे डाल लेंगे इसमें। ये देखिए मैंने कुछ डाल दिए हैं, अभी थोड़े से मेरे अभी भी बचे हुए हैं तो मैं इसको पहले कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पनीर को हल्के हल्के हिलाना है, टूटे ना अगल बगल हो। ये देखिए अब हम ये फटाफट हो जाएंगे हमारे, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी हम इसको ये देखिए अब हम इस टाइम पर इसको फटाफट पलट लेते हैं। ये देखिए फटाफट देखिए तल जाते हैं, हाई फ्लेम पे तलना है। और देखिए मैं तो क्या करूँगी कि इसको अभी निकाल लूँगी बस, और उसके बाद मैं दोबारा, अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपने फ्रेंड्स के लिए बनाना है, खुद नहीं खाना, तो आप इस तरीके से इस टाइम पे अब इसको निकाल लीजिए, ठीक है। और जब दोबारा आ रहे हो तो बड़ा ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म करके डालिए और निकालिए टाइप का, उसको डालिए 2 सेकंड के लिए और निकाल लीजिए। एक तो उससे जो बाहर की आउटर लेयर है उसकी वो बहुत ज़्यादा और क्रिस्प हो जाएगी। तो मैं अभी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी आपको करके बना के दिखा रही हूँ पूरा। तो अगर आपको इस तरीके से करना हो कि आप गेस्ट आ रहे हो उस समय, तो आप पूरा देखिए बैटर बना के नहीं बना सकते, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है गेस्ट आते हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे मैं पूरा तल रही हूँ अच्छे से। अब इस टाइम पे देखिए मैंने जब बिल्कुल स्किन बाहर से अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो एक मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे कर दिया है, तो ये जो स्किन अच्छे से और हो जाए। अगर आप एक ही बार कर रहे हैं ना, तो जब अच्छे से देखिए फॉर्म हो गई स्किन इसकी, देखिए अब टूटने का डर नहीं है पनीर का, तो थोड़ा सा स्लो फ्लेम करके इसको अच्छे से क्रिस्प कर लेते हैं। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा पहले निकाल लीजिए, फ्रेंड्स आ रहे हैं तो इसका तड़का जो होता है वो बना के रखिए,
फ्राई करिए और उसमें डाल दीजिए और सर्व करिए। वो आपके लिए बना के पहले रख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है, स्टार्टर में एज ए स्टार्टर बहुत ही यम और टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा परफेक्ट, बिल्कुल तैयार हुए हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं सारे, और इसी तरीके के जो बचे हुए मेरे सारे हैं वो भी मैं बाकी तर लेती हूँ। तो देखिए मैं सारे निकालती जा रही हूँ। अब शक्ल देखिए, आपको देख के ही लग रहा, ये देखिए कितने क्रिस्प और कितने बढ़िया बने ना। ये देखिए मैं इसी तरीके से सारे निकाल के अब दूसरा लॉट भी डाल देती हूँ इसका। उसके बाद इसका फाइनल स्टेप जो इसका तड़का बनता है वो मैं आपको बता दूँगी। देखिए ये बाकी के भी मैंने डाल दिए, इनको भी फ्राई कर लेती हूँ उसी तरीके से और फिर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ही सारे तल जाएं, उसके बाद ही मैं खट्टा आगे रेसिपी बताती हूँ आपको। हमारे ये भी सेकंड लॉट के हो गए हैं, हम इसी तरह इनको भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद चलिए अब हमारा ये तलने वाला प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए ये हमारे सारे तल गए हैं, आपको देख के ही मज़ा आ रहा होगा, आप ऐसे ही मन कर रहा होगा कि उठाओ और एक दो खा लो। चलिए हम इसको फटाफट पनीर 65 पूरा कंप्लीट करते हैं। अब मैंने पैन लिया है इसका तड़का लगाने के लिए, इसमें थोड़ा सा एक टीस्पून बस ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं। इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे और इसके साथ डालेंगे एक से दो ये साबुत लाल मिर्च। ये देखिए छोटे टुकड़ों में काट ली है मैंने। इसके साथ डालेंगे हम एक छोटी ग्रीन चिली भी डालेंगे, क्योंकि स्पाइसी स्नैक रेसिपी है तो स्पाइसी होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने कड़ी पत्ता कट्टू तोड़ के डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा, फिर कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद डाल देंगे इसमें अराउंड 1 टीस्पून गार्लिक, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे गैस फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें मैं डालूंगी जरा सा सॉल्ट, जरा सा डालना है बिल्कुल अपने, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ी सी और थोड़ा सा ये मैं डालूंगी गरम मसाला, बहुत चुटकी सा गरम मसाला डालना है मैंने। अब इसके बाद मैं आपको चीज दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा थोड़ा सा ये जब मैंने पनीर तले थे नीचे जो इसका ये बचा था ये मसाला जिसमें मैरिनेशन वाला बोल सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा ये बचा था मैं इसको भी यूज़ करूँगी, तो इसमें इतने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, इसको भी इसके साथ भून लेंगे। और अगर जैसे आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपने डिनर पे किसी को बुलाया हुआ है तो आपने वो बाद में सर्व करना है, तो जैसे मैंने फ्राई करके रखा है आप वो कर लीजिए, और ये तड़का बनाना है ये तड़का बना के रख लीजिए, और उसके बाद जैसे ही फ्रेंड्स आए बैठे आप फटाफट उसको रीफ्राई करिए। रीफ्राई करने में बिल्कुल हाई फ्लेम पर करना है क्योंकि बस उसको क्रिस्पी करना है, वो पका तो हुआ ही है, तो उसको फ्राई करिए। ये देखिए ये जो हमने मैरिनेशन वाला बचा हुआ था थोड़ा सा वो डाला, उससे देखिएगा एक अलग से किस फ्लेवर आएगा। ये देखिए इसके बाद में हम पनीर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे को अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया ऊपर से और इसके बाद अब हमारा पनीर 65 रेडी है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। अब हम इसको चलिए सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा पनीर 65 बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप भी बनाइए फटाफट और बताइए कि आप लोगों का कैसा बना, क्योंकि आप खाएंगे ना जैसे मैंने बताया वैसे बनाएंगे तो आप देखेंगे आपको पनीर के अंदर भी फ्लेवर्स मिलेंगे, केवल बाहर की लेयर में ही नहीं। तो इसको फटाफट बनाइए, और जैसा बताया मैंने कि अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं रात में किसी को डिनर पे बुलाया हुआ है एज अ स्टार्टर सर्व करना है तो इसको थोड़ा सा फ्राई 70-80% करिएगा, बाकी का फ्राई हाई फ्लेम पे बाद में कर लीजिएगा तुरंत सर्व करते समय। और फटाफट सबको बताइए, खिलाइए और पूछिएगा सबसे कि उनको भी कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वो भी फटाफट कर डालिए। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।